11:19 हो चुके हैं, एक बार डाटा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं 4,63,000 ये हो गए हैं 53,000 की पुट में, ठीक है, पुट सेलर हैं दोस्तों, ठीक है। और 53,100 पे 2,33,000, 53,200 पे 4,50,000 पहुँच चुके हैं, 53,300 पे भी बढ़ के 3,00,000 हो चुके हैं, और उसके बाद 53,400 पे 4,00,000 के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब कॉल सेलर का डाटा देख लेते हैं, ये जो 5,60,000 के करीब हैं ये हैं 53,000 पे, ठीक है। उसके बाद 2,30,000 के करीब हैं ये हैं 5,00,000, ये 53,400 पे, ठीक है जी। और उसके बाद 2,46,000 वाले हैं 53,300 पे, 53,200 पे 2,00,000 के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ से थोड़े से कम हुए हैं और पुट सेलर हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। एक बार ये डिफरेंस भी देखिए काफ़ी कम हो गया है, 2,00,000 तक, 2,57,000 तक पहुंच गया, हालांकि अभी भी यहाँ पे पुट दिखा रहा है, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं, सपोर्ट 2.51, रेजिस्टेंस 4.04, रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत है अभी भी। ये वाला जो लेवल है इसको तोड़ नहीं पा रहा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये इसको तोड़ के 53,400 से ऊपर जाने के चांस हैं, जैसा कि डाटा बता रहा है। देखिए डाटा तो चेंज हो सकता है, अगर यहाँ पे थोड़े से कॉल सेलर आ गए तो डाटा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह का डाटा बना हुआ है उसमें लग रहा है कि मार्केट है, बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। हालाँकि अगर आप स्टॉक्स वगैरह देखोगे जैसे HDFC बैंक 15 रुपये गिरा हुआ, ICICI बैंक 25 रुपये, एक्सिस बैंक 19 रुपये, तो कहीं से कहीं तक चांस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। निफ्टी भी 250 पॉइंट गिर रहा है और गिरता ही जा रहा है, ठीक है। हालांकि बैंक निफ्टी 53,200 पे सपोर्ट लिए हुए है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि देखो डाटा के हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि 53,400 तक जाने की उम्मीद है, 400 से प्लस में जाने की उम्मीद है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हम समझ सकते हैं, अगर 53,200 का जो सपोर्ट लिया है इसने, 53,200 के नीचे अगर ये चला गया और कुछ देर रुकता है तो फिर 53,000 भी तोड़ के और नीचे तक जाएगा, क्योंकि डाटा के हिसाब से फिर जो बैठे हुए हैं पुट बेच कर बैठे हुए हैं वो भी वो निकलेंगे, ठीक है जी। तो अभी तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है डाटा के हिसाब से, ठीक है जी। तो देखते हैं, वेट करते हैं। तो आज क्वांटिटी है वो थोड़ी रखिएगा, अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो 53,200 से नीचे जाने का वेट कीजिए, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी आप पुट बाय करके बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पुट है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आपने पुट बाय कर रखी है तो, और अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, ठीक है जी। क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में बैंक गिरे हुए हैं, ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, और बाकी डाटा मैंने आपको शीट पे जैसा डाटा बन रहा है वो दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।